लाइफ में आपको जो चीजें मिलती हैं अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उन सोर्सेस के लिए भी थैंकफुल हैं जिनसे आपको ये चीजें मिली हैं तो उससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंचाइयों तक तो आपको हर कोई पहुंचा सकता है लेकिन खड़े होना चाहे पहली बार हो या गिरने के बाद सिर्फ नींव ही आपको सिखा सकती है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब सलाम वालेकुम वणकम मरहबा, आ गई हूँ मैं कृति आप सभी के साथ आज कुछ खास बात शेयर करने। क्या आपको पता है इस बार 5 फरवरी को साउंड का, वॉइस का, आवाज का हैप्पी बर्थडे है? हाँ, हमारा हो सकता है, तो क्या साउंड, स्पीच, वॉइस, नॉलेज इन सब का हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता क्या? जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है डजंट मीन ये है नहीं। और जरा एक बार इमेजिन करके देखो, बिना साउंड, बिना वॉइस की क्या कोई लाइफ हो सकती है? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ इन सब चीजों के बिना। वैसे हमारे पैदा होने की स्टोरी तो हम सभी को पता है, लेकिन वॉइस और साउंड के पैदा होने की स्टोरी अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आई एम श्योर वो आपको पता नहीं है। तो हुआ ऐसा कि बहुत टाइम पहले की बात है जब ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, और ब्रह्मा जी जिनका इस वर्ल्ड को क्रिएट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने सोचा कि मैं नीचे वर्ल्ड में जाकर देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ कि आखिर चल कैसा रहा है सब कुछ। तो उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा साइलेंस है, और पिन ड्रॉप साइलेंस से भी ज्यादा कुछ होगा तो वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता था। ना कोई साउंड, ना कोई आवाज, ना कोई बोलने वाला और ना कोई सुनने वाला। तो उन्हें लगा यार अगर ऐसा हुआ तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कमंडल से चारों ओर पानी छिड़का और आंख बंद करके प्रे करने लगे। उन्होंने जब आंखें खोली तो पाया कि सामने एक बहुत ब्यूटीफुल से लोटस पर एक वाइट साड़ी पहने हुए एक बहुत ब्यूटीफुल सी डिवाइन गॉडेस है, और उनके चार हाथ हैं और उनके सारे हाथों में कुछ ना कुछ है। उनके एक हाथ में बुक थी तो दूसरे हाथ में क्रिस्टल्स की माला, तीसरे हाथ में उनके पानी से भरा हुआ पॉट था, तो चौथे हाथ में था उनके एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम वीणा या हार्प भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको सारी प्रॉब्लम समझाई, तो उन गॉडेस ने क्या किया कि अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने प्ले किया एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैजिक हुआ इस पूरे वर्ल्ड में। वो ये था कि हर इंसान बोलने लगा, जानवरों को अपनी एक आवाज मिल गई, चिड़िया चहचहाने लगी, और तो और हवा को भी अपनी एक आवाज मिली, और पानी झरझर करके बहने लगा। यानी कि ये वर्ल्ड में भगवान जी ने प्राण तो डाल दिए थे लेकिन उनको जान मिली उस दिन जिस दिन उन सब के पास अपनी एक आवाज, अपना एक साउंड आया। और उस दिन से हम इस दिन पर बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि द स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल। और उस दिन जन्म हुआ था सरस्वती माता का, और उन्हीं के साथ हुआ था जन्म वॉइस का, साउंड का, नॉलेज का। और क्योंकि इस दिन स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है तो स्प्रिंग होता है एक न्यू लाइफ आफ्टर विंटर, जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, इसीलिए उस दिन येलो कलर पहन के इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, और येलो खाना खाया जाता है, येलो चीजें पूजा में रखी जाती है, और येलो कलर सिग्निफाई करता है नॉलेज को। वैसे सरस्वती माँ के हाथ में जो चारों चीजें होती है ना, वो भी कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है, जैसे कि जो उनके हाथ में बुक है वो सिग्निफाई करती है नॉलेज को, लर्निंग को। जो क्रिस्टल्स की माला है वो सिग्निफाई करती है आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका इनर पीस, इनर फोकस, आपका मेडिटेशन। जो वाटर पॉट है वो सिग्निफाई करता है एक प्योरिफाइंग पावर, जो कि आपको डिस्टिंग्विश करना सिखाती है राइट और रॉन्ग के बीच में से। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमें ये बताता है कि हमें हमेशा अपने हार्ट और अपने माइंड को ट्यून करके इस सोसाइटी के साथ एक ट्यूनिंग में चलना है। सही बात है ना, जब तक हमारा हार्ट और माइंड ट्यून नहीं होगा हम सोसाइटी के साथ एक हार्मनी में कभी नहीं चल पाएंगे। लाइफ कितनी म्यूजिकल है ना,
अब समझ में आया। तो इस बार 5 फरवरी को सभी स्टूडेंट, सभी आर्टिस्ट अपने बुक्स, पेन्स, अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी आवाज सभी सरस्वती माँ के पास रख कर एक बार जरूर थैंक यू बोलना और उनको प्रे करना। आखिर वही तो हमारी बेस है। क्या है ना, इंसान तो हम पैदा होते ही बन जाते हैं, लेकिन इंसानियत हमें हमारी यही बेस सिखाती है। तो मैं कृति इसी थॉट के साथ चलती हूँ, लेती हूँ आप सभी से विदा। और अगर आपने ये पोस्ट पूरी एंड तक सुनी है और आपको पसंद भी आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इसे 9 लोगों को फॉरवर्ड करना मत भूलना। सरस्वती माता का तो पता नहीं, बट मैं जरूर नाराज हो जाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी।